नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने का महत्व है, इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी को पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं का बंधन से मुक्त कराया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलाएं। समाज में इन कन्याओं के सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। भगवान कृष्ण ने इस दिन 16,000 कन्याओं का उद्धार किया। इसी खुशी में इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन जल में औषधि मिलाकर स्नान करने और 16 श्रृंगार करने से रूप सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है, ऐसी मान्यताएं कहती हैं।